हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूथ पब्लिकेशन की, जीएस पैंडर बुक की, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है जर्नल साइंस एंड इंडियन एग्रीकल्चर, सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, और इसमें पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉरेनहाइट पैमाने पर तापमान कितना है? 200 डिग्री फॉरेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में निकालना है। तो फार्मूला तो पढ़ा होगा ना, सी बाई फाइव इक्वल्स टू एफ माइनस 32.9। तो इस फार्मूले को आप लगाइए, आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक कितना है? डायोप्टर में हम नापते हैं लेंस की क्षमता को, पर सेक, PAR SEC, ये इकाई है किस चीज की? दूरी की। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? फर्मी मीटर, 10^-15 मीटर। ठीक है, एक फर्मी में कितना होता है? फर्मी मीटर में होता है 10^-15 मीटर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। पार का मात्रक है जूल। तेल का एक बैरल, ठीक है ना, हम नापते हैं बैरल में, इतने बैरल मतलब अंतरराष्ट्रीय तेल का इतने बैरल टेम्परेचर नहीं, क्या बोलते इसको, कि एक बैरल की कीमत इतनी हो गई है ना, तो एक बैरल होता कितना है? 159 लीटर। ठीक है, एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर और इंच का रिलेशन है ये, तो पूछती है उसने, यदि आप 0.39 से इंच को गुणा करोगे तो आपको सेंटीमीटर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? ऊर्जा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10^6 जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर में। दूरी की इकाई नहीं है क्या? वर्ग मील। एक दूरी की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है यंत्र का नाम और राशियां जो ये नापते हैं। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? हम वायु की गति नापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा को नापते हैं। टैकोमीटर से घूर्णन की गति को नापते हैं। और पायरोमीटर से हम उच्च ताप को नापते हैं। नेक्स्ट है राशि और इकाई। उच्च वेग, ठीक है, मैक, मैक में हम मेजर करते हैं बहुत ज्यादा हायर वेलोसिटीज को, जो जेट प्लेन्स वगैरह होते हैं इनकी उनकी मैक में हम उनको एक तरीके से मेजर करते हैं उनकी स्पीड को। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब को हम नापते हैं पास्कल्स में, और ऊर्जा को जूल से। नेक्स्ट है भौतिक राशियां एवं इकाई। त्वरण m/s², बल न्यूटन, कृतकार्य, ठीक है, वर्क डन जो है हम जूल में नापते हैं, और आवेग ये न्यूटन सेकंड में हम इसको नापते हैं। क्यूसेक द्रव प्रवाह की दर को नापते हैं। बाइट से हम कंप्यूटर जो हमारी स्पीड होती है बाइट बिट्स, इसी में नापते हैं। किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर टेराबाइट, इस तरह से आगे हमारा बढ़ता चला जाता है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल में नापते हैं, और दाब को हम बार में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य आर्मस्ट्रॉन्ग, अब देखा अभी पहले भी, ऊर्जा जूल में। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसीबल में, ठीक है ना, 45 डेसीबल कहा जाता है हमारे लिए अच्छा है। यदि 85 और 90 के आसपास पहुंच जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन बोल देते हैं। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी हम हर्ट्ज में नापते हैं। इकाई प्राचल। वॉट शक्ति, नॉट समुद्री जहाज की जो गति है उसको हम नॉट में मेजर करते हैं। नॉटिकल माइल्स, ये नौ संचालन की दूरी होती है। और कैलोरी, इसमें हम ऊष्मा को की जो एक तरीके से इकाई होगी ऊष्मा को हम नापते हैं कैलोरीज में। वेक्टर परिमाण है क्या? बल। बल क्या है? एक वेक्टर राशि है। डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं परमाणिक घड़ी के द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण ताप मापी को।
हीलियोमीटर, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। किसको? पायरोमीटर को। बहुत बार पूछा गया है। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों के द्वारा। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम किसकी आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिग्मोग्राफ के द्वारा, तीव्रता की, ठीक है। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं क्या? द्रव्य क्रिस्टल। रक्त दाब मापने में यंत्र का नाम क्या है? इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये हम यूज करते हैं जो ब्लड प्रेशर नापने के लिए। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता हुआ है, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि दर को नापने के लिए। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। नेक्स्ट है, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर या 10^-7 सेंटीमीटर के। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए किसको प्रयोग करते हैं? एक सेक्सटेंट को हम यूज करते हैं ऊंचाई नापने के लिए। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण को उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है लक्स मीटर। उपकरण, यंत्र और मापन की राशि। अमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर से दाब और स्प्रिंग तुला से हम भार को नापते हैं, ठीक है। स्प्रिंग तुला तो घर में भी मिल जाता है। स्टेथोस्कोप से हम हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम रक्तचाप मापते हैं। कैरेटोमीटर, कैरेट्स तो सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है कैरेटोमीटर। और लक्स मीटर से हम यूज करते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। एनेमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं। स्फिग्मोग्राफ से हम भूकंप मापते हैं। बैरोग्राफ से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। और हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडलीय आर्द्रता को मेजर करते हैं। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में, ठीक है। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है किसका? मस्तिष्क का। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन होता है। सोनोग्राफी में तरंगे, किरणें प्रयुक्त होती हैं। कौन सी? पराश्रव्य तरंगे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, मैकेनिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रीकरण से। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन का थर्ड नियम है ये। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो ऊपर की ओर जाएगी तो उसका भी वेट जुड़ जाएगा, मतलब ग्रेविटी वाली चीज बात हो गई। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा कितना? 0। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। क्यों? ग्रेविटी ज्यादा है यहाँ पे और मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार घट जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारी जो अर्थ का जो ग्रेविटी यहाँ लगती है वो जी है, तो वहां पे मून भी कितनी लगती है? G/6 लगती है, तो इसलिए वहां पे वेट घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? उसका घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलती क्या? आयतन, वॉल्यूम नहीं बदला। लोलक घड़ियां, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक्स कह लीजिए, गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन के चलते जो लोलक है उसकी लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय जो हमारा है वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? T=2 2π√L/g। तो L बढ़ जाएगा,
हमारा ये टाइम पीरियड क्या है, ये भी बढ़ जाएगा। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर, ठीक है, जब तक पानी की सतह पर है तब तो अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है नीचे से, तब तक तो हमें हल्की लगती है, जैसे ही पानी की सतह से ऊपर हो जाती है तो हमें लगता है भारी हो गई। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो रेखा है वह तल के अंदर ही रहती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पे, ठीक है। अब ये यूपीपीसीएस में 1995 में आया था, लास्ट ईयर यदि आपने यूपीएससी का पेपर दिया हो तो कुछ इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रेशर कुकर पे, ठीक है। तो प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप है वो निर्भर करेगा किस पर, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन। जो सीटी होती है उस पर जो सीटी का वेट है वो भी बहुत मैटर करता है, आपका जो अंदर का खाना है वो जलेगा कि नहीं जलेगा। यदि बहुत भारी हमने सीटी कर दी तो उठेगा ही नहीं, जब उठेगा ही नहीं तो अंदर का तो खाना जल जाएगा। तो उस फीलिंग को लेते हुए आप इस क्वेश्चन को देखें। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में हो जाती है कमी। रॉकेट कार करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, जेट ईंधन कार करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए, ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन है कि हमारा ग्रेविटी एकदम से खत्म हो जाए, तो परिणाम क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता हुआ कितना होता है, जब जितना है उसका चौथा भाग हो जाता। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है, मतलब कि जो हमारी अर्थ है इक्वेटर पे वेट सबसे कम होता है लेकिन पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है, ये तो ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार लगभग कितना है, 10 किलोग्राम है, का अंतरिक्ष में भार कितना हो जाएगा, अंतरिक्ष में वेट उसका हो जाएगा 0। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर, ठीक है, हमारे जो पोल्स है उस पे हमारा वेट सबसे ज्यादा होता है। वायुमंडली दाब का अचानक गिरना इंगित करता है कि भाई स्टॉर्मी वेदर है, तूफान आने वाला है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पे खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाती है तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसे उसके पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ, ठीक है, आगे की तरफ चल रही, मूव कर रही है। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है कौन, घर्षण का बल। पानी का घनत्व, जो पानी की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन में, केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है रिलेशन, K=C+273, है ना, तो सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है, तो 4 + 273, 277 केल्विन पे हमारा जल का अधिकतम घनत्व हो जाएगा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, स्थिरता का जड़क, वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का वह स्वरूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, विंड एनर्जी में गतिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग, ठीक है, मान लीजिए ये आइस वर्ग है कोई, ये आइस वर्ग है तो ये हमेशा एक रिलेशन है कि जो मान लीजिए वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है हमारी, तो ये जो भाग है ना ये 1/9 होता है और नीचे वाला जो भाग होता है ये 8/9 होता है, ये हर जगह हर हर बार यही होता है, ठीक है। मान लीजिए एक आइस क्यूब है, आपके वाटर पे सरफेस पे मतलब तैर रहा है,
तो जो ऊपर भाग होगा वो 1/9 होगा और जो नीचे छुपा होगा वो 8/9 होता है, हमेशा यही होता है। और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एसएससी वगैरह में, तो खूब पूछा गया है क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है वहां पर। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी कितनी? 4 गुनी। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, ठीक है? कलाई घड़ियों में, प्रदर्शक युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल्स। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है क्योंकि अभिकेंद्रित बल के कारण। किसके कारण? अभिकेंद्रित बल के कारण। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो मैटर्स। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है क्या? त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है? ये अभी पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। जब हम एक सोप का बुलबुला होता है, इसको आवेशित करें, इसको चार्ज करें, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होगी। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है, जबकि द्रव्यमान क्या रहता है? द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है लेकिन भार बदल सकता है बेस्ड ऑन ग्रेविटी। एक कमजोर दुर्बल बल है जबकि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो तो गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर भी होता है हमारा। अर्धचालक है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तभी वो सस्टेन कर पाएगा, नहीं तो बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो फूट जाएगा। तेल जल के, ये भी बहुत आया, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो तन तनाव है वो पानी से कम है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। जब सुई पानी में डूब जाती है, जबकि सोने से एक सॉरी एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज तैरता रहता है, क्योंकि सुई का अपेक्षा घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, नदी से सागर में घुसता है तो वह ऊपर उठ जाता है, क्यों? जो सागर है उसका पानी है वो सॉल्टी है, तो उसके चलते हमारी क्या है, मतलब एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, डेंसिटी ज्यादा है तो इसलिए वो ऊपर उठ जाता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर। साउंड एंड वेव मोशन। यदि VA, VW, VS, मतलब VA क्या है? वायु में वेलोसिटी है, जल में VW जल की बता रहा हूँ, VS इस्पात में बता रहा हूँ, तो ध्वनि के वेग हो तो इस्पात में सबसे ज्यादा होगी, फिर वाटर में होगी, फिर एयर में, ठीक है? खाद्य फलों की प्रजाति को विकसित करने के लिए विधि है क्या? जेनेटिक प्रौद्योगिकी। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में। सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है 20 डेसिबल। ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण पिच निर्भर करती है आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है ध्वनि ग्राम की। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती है? माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे हम यूज करते हैं। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकें क्या है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ठीक है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है किसको? अवरक्त व रेडियो तरंगों को। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है 80 डेसिबल से अधिक वाली। थर्मस फ्लास्क में सबसे लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है संचालन, संवहन और विकिरण के द्वारा। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है हमारी ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किसमें? निर्वात में।
सब वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 200 हर्ट्ज से अधिक। सोनार में हम उपयोग करते हैं किसका? परा श्रव्य तरंगों का। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी को की आवाज बढ़ जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घट जाती है। यह फिनोमिनन उदाहरण किसका? डॉपलर प्रभाव का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो वह होना चाहिए 16.5 मीटर। ध्वनि चलती है अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों को धूल हटा कर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए भी किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ये सभी गुण किसके हैं? ये परास्रव्य तरंगों के गुण हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं एक्सरेज, ठीक है, मौत, इसीलिए बोला जाता है कि बार बार सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। कोरोना के टाइम में बहुत लोग जबरदस्ती सीटी स्कैन करा रहे थे, नहीं जा रहे, न्यूज़पेपर में फॉर्म निकल आते, भाई सीटी स्कैन मत कराओ बार बार, उसमें एक्सरेज होती हैं। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है क्या? अनुरणन, रिवर्बरेशन। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है किसको? राडार का। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है वह है परासर्व तरंग। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है वह है परासर्व तरंग। वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है वह है परासर्व तरंग। मतलब ये यही में तीनों क्वेश्चन पूछे हैं। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है किसकी? गामा किरणों में। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती हैं ऊर्जा। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेचेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वहां कोई माध्यम ही नहीं, ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम ही नहीं है वहां। नेक्स्ट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रह सकता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। किस किस मीडियम से संचालन ना होगा वहाँ संवहन होगा ना वहाँ विकिरण होगा, ठीक है, ना कंडक्शन होगा ना कन्वेक्शन होगा ना रेडिएशन हो सकेगा। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, ठीक है, सब्लिमेशन। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या है? पहले गामा, फिर बीटा, फिर है अल्फा। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह फिर से कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित कर सकते हैं वो। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कहाँ? 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापक्रम पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कौन सा है? 4 डिग्री। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर सकते हैं, कर देते हैं। शीतकाल में जल जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जो जलीय जीव जंतु हैं वो जीवित रहते हैं, फिश वगैरह भी फिर भी जीवित रहती हैं। क्यों? पानी का घनत्व 4 डिग्री से सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल का आयतन पहले तो घटेगा लेकिन बाद में फिर बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? पानी जमने पर फैलता है, ठीक है ना, शिमला वगैरह में पाइपलाइन फट गई सर्दियों में, क्यों? पानी जब जमता है तो वो एक्सपेंशन करता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है?
पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होने लगता है। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से, ठीक है, यदि आप भाप से जलते हो तो उसमें ज्यादा पेन होता है। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक, बेस्ट कंडक्टर कौन है? वो है जल। जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसमें आयतन। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, ठीक है ना, जो हीट हमारे बादलों में मतलब आसमान में जा सकती थी उसको ट्रैप कर लेता है बादल, इसलिए ज्यादा गर्म होते हैं उस दिन रात। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टैट का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो लगभग ठीक 1 मिनट ही लगेगा, ठीक ना, 1 मिनट ही उसमें भी लगेगा। सूची वन और सूची टू, जल का क्वथनांक, तो वाटर कितने डिग्री पे बॉयल करता है? तो 100 डिग्री पे बॉयल करता है हमारा वाटर, ठीक है, लेकिन वो हमसे कैल्विन में पूछ रहा है, तो सेल्सियस और कैल्विन के बीच में क्या रिलेशन होता है? दो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू K+K-273 होता है, ओके, और कैल्विन कर लो तो इधर आ जाएगा C+273, तो C कितना हो गया हमारा 100 डिग्री, तो 373 डिग्री कैल्विन हो गया। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना हो? 37 डिग्री होता है, तो 273 में 37 जोड़ो कितना हुआ? 310 हो गया। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री होता है, 273 + 4 270 डिग्री हो गया, ठीक है। -40 डिग्री फॉरेनहाइट पे बात करी गई तो क्या है? तो हमने एक रिलेशन कभी ना कभी पढ़ा होगा बचपन से लेके आज तक, -40 डिग्री, जो -40 डिग्री पे सेल्सियस और -40 डिग्री पर फॉरेनहाइट टेम्परेचर दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस जोड़ना है हमको, -40 डिग्री, तो हमारा कैल्विन का टेम्परेचर कितना आ जाएगा? C+273 है, C-40 है, 273 में 233 हो जाएगा, तो ये हमारा 233 आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से इन्होंने कन्वर्जन पूछा है, जिसको कन्वर्जन वाला फार्मूला नहीं पता है वो तो अटक जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला रखें तो कमरे में ताप क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफेद, और अंत में कैसा हो जाता है? बिल्कुल नारंगी सा हो जाता है। वायु कूलर जिसको शीतलक अधिक प्रभावी है रेगिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ ह्यूमिडिटी होगी वहां पर जो हमारा कूलर है ना वो बिल्कुल बर्बाद है, इसीलिए जब बरसात होती है तो कूलर वगैरह बिल्कुल गंदे लगते हैं, इतनी ह्यूमिडिटी हो जाती है। लेकिन जहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है वहां पे जो कूलर है बड़े अच्छे काम करते हैं। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण है केंद्र से हट जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल बल। चिड़िया के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस तापमान को कहते हैं, उस तापक्रम को कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी या पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? एक समान तापमान बनाए रखना, यह थर्मोस्टेट का काम होता है। बर्फ के दो ब्लॉक टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? बर्फ का गलनांक दबाव से बढ़ने से घट जाता है।
ख्याल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है उसके चलते होता है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। जो दो ब्लॉक को आपस में जब करते हैं ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। लेट मी कंफर्म, जो यहाँ लिखा है वो भी सही है, जो मैं बोल रहा था वो भी सही। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड के बारे में उसने नहीं पूछा है कि कौन सा बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज है, जब हम एक आइस क्यूब को दूसरे आइस क्यूब की तरफ मतलब करके और दोनों को दबाते हैं तो होता क्या है कि मेल्टिंग होने लगती है दोनों में। ठीक है, मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसके चलते क्या है वो मेल्ट होने लगते हैं। जब हम प्रेशर रिमूव करते हैं, जब प्रेशर रिमूव करते हैं तो मेल्टिंग जो हो रही है वो थोड़ी रुक जाती है और उनके बीच में बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से दोनों ब्लॉक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो बस कंफर्म करना था, मैंने कर दिया। दो पानी की छोटी बूंदें बिंदु एक दूसरे में संलीन होकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट है लाइट, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनु प्रयोग द्वारा किया जाता है? तो हम इसमें TIR होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। PCS 2019 का क्वेश्चन है। सफेद प्रकाश में उपस्थित वह रंग जो शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है वह है रेड रंग। ठीक है, लाल है इसीलिए जो हमारी गाड़ी के पीछे भी लाल रंग लगाया जाता है, जो जितने भी हमारे चौराहों पे लाल रंग की हमारी लाइट्स होती हैं। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। खोज के अनुसार सही कालक्रम है क्या? पहले डायोड आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर इंटीग्रेटेड परिपथ आया, फिर SMD आया, सतह पर लगाने वाली ये अवयव है। ठीक है, पहले डायोड, डायोड के बाद ट्रांजिस्टर्स, फिर इंटीग्रेटेड परिपथ मतलब IC सर्किट वगैरह आई, फिर SMD, ये सब आया। तो एक तरीके से ग्रोथ पूछ रहा है टेक्नोलॉजी में। दिन के प्रकाश में हरित वर्णों पर क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता हुआ है नीला, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है क्या? थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पिरिडॉक्सिन, बायोटिन, साइनोकोवालामिन व फॉलिक अम्ल। तो बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी हैं हमारा, वो सबका एक तरीके से वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। ठीक है, वह जिसका वेग अधिकतम होता है वह है प्रकाश, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है और रेटिना के पीछे। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? लगभग 8 मिनट लगता है। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है हमको इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो बीच में होता है ग्रीन रंग। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है कितनी? 7। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक इंडोस्कोप का प्रयोग करता है। ठीक है, इंडोस्कोपी की जाती है। यह किस पे आधारित है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किसकी तरह? एक अपसारी लेंस की तरह। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, सौर सेल, मानव की सामान्य स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतलों समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे कितने? अनंत। CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? वह अवतल दर्पण होता है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के यूज करके। मृग मारीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके रंग धैर्य से।
क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। रेटिना पर आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। मानव अंग आंख दृश्य प्रकार के लिए तैर धरने के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। 55,500 एंगस्ट्रॉम पे धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर होती है इसकी पावर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हमने इसको ऊपर भी देखा था। धूप से बचने के लिए छाते में रंग उचित रहेगा क्या? ऊपर उजला, ठीक है, ऊपर व्हाइट रहे और नीचे ब्लैक रहे तो वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई के द्वारा। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोली दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतो दर्पण मतलब अवतन दर्पण। आंख की सुग्राहकता को सबसे अधिक होती है किसमें? पीले एवं हरे रंगों के बीच। दृश्य प्रकार का दैर्यमान प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच में। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं। वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? इसका ताप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है क्या? आवृत्ति। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है क्या? है अल्ट्रा वायलेट प्रकाश। पेंसिल सरी के एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं इसका कारण क्या है? स्टोबी प्रभाव। आंख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु बन जाते हैं दृष्टिपटल पर। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया क्या नाम है इसका? ग्रेफीन की सहायता से यूज करके किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा हो तो हम पूरे व्यक्ति को देख सकते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन विलयन से फैलाई जाती है वह है एस्ट्रापिन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभाव के कारण। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिल सकती है वह है डॉपलर का प्रभाव। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। बिजली का सबसे उच्चतम चालक कौन है? समुद्री जल। डायनामो एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। अर्धचालक है जर्मेनियम। कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रति लोमानुपाती होता है। ठीक है, V इक्वल्स टू IR ये वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ी है। ट्रांसफार्मर
तो ज़्यादा यदि वोल्टेज खींचेगा तो क्या होगा, मतलब वोल्टेज कम है तो करंट हमारा ज़्यादा खींचेगा, उसके चलते हमारा जल जाता है। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, स्टेप डाउन या स्टेप अप करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? ट्रांसफार्मर्स का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अधिचालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड्स। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है क्या? इसका गलनांक है ना वो कम होता है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है लेकिन जो गलनांक होता है वो निम्न होता है। तो ये वाली चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, गलनांक वाली, मतलब ज़्यादा गलनांक निम्न होगा तो जल्दी से पिघल जाएगा और हमें जो हमारा कह लो जो ब्लास्ट हो सकता था या जो डैमेज हो सकता था वो बच जाता है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है कौन? पारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है कौन? मोटर। सिलिकन एवं जर्मेनियम ये क्या है? अर्धचालक हैं। घरों में लगे पंखे बल्ब ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है प्रवाहित होती है यदि वे हो समान विभव पर। किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है कितना? 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना कार है डायनेमो का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्चतम प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह होती है LED। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है क्या? एल्यूमिनियम। कुंडली कॉयल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है वह घटती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़े में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे, स्थायी चुंबक बनते हैं, फेरो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टरों के विमंदक और प्रतिशीतक दोनों की तरह प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन है? भारी पानी। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है वह होता है संबद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हेलियन में परिवर्तन। सौर की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करता है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या होता है? जो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, ठीक है, जो रिएक्शंस होती हैं नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल्ड होती हैं, परमाणु बम में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित होता है हमारा हाइड्रोजन बम। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है वह जितना जलता है वह है एक ब्रीडर रिएक्टर। कल्पक्कम सुर्खियों में रहा अपने परमाणु शक्ति परियोजना का कारण। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? गलित सोडियम को। नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता किसको? कैल्शियम के रूप कैल्शियम को। अब ये ऑप्शन देखने पड़ेंगे बाकी ऑप्शंस क्या दे रखे थे। भारत का परमाणु संयंत्र जो फोर्थ भूकंपी पेटी में अवस्थित है वह है नरोरा। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? कैगा। कहाँ है ये? कर्नाटका में है। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्ति समूह NSG में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी 2016 का डेटा है, 48 थी उस समय।
वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतया उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है, वे हैं नाभिकीय संलयन रिएक्टर। अब कुछ मिसेलेनियस क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। खोज व वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे जे थॉमसन ने करी। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने करी। एक्सरे किरणों की डब्ल्यू सी रॉन्जेन ने करी और न्यूट्रॉन की चैडविक ने करी। लौह धातु के 6 करण में आवश्यकता होती है ऑक्सीजन तथा नमी की। एक धातु जो बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर सकती है वह है लेड। विलहेम और रॉटन जैन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का, ठीक है। 18 में पूछा गया था पीसीएस में। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है माध्यम। हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम है ईश्वरी कण, गॉड पार्टिकल। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपन विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि फ्रिक्शन, ठीक है ना, बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण है फ्रिक्शन है वो कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो सर्कुलर है, फ्लैट होती तो एक बार को हो भी जाता। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है कौन? अवरक्त किरणें। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगा क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? ऊष्मीय ऊर्जा का। थर्मल पावर प्लांट मेन सोर्स है हमारी अभी एनर्जी का। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है कौन? जिंक कार्बन। आप आंधी तूफान में कार में यात्री कर रहे हैं तो बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे कार में ही रहना। एक्सरे किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती है कहलाती है कठोर एक्सरे। एपिकल्चर मधुमक्खी से रिलेटेड है। सिल्वीकल्चर शहतूत के वृक्ष से रिलेटेड है। विटीकल्चर अंगूर और पिसीकल्चर मछलियां। रेन प्रूफ वर्षा सह कोट और तंबाकुओं के पदार्थों का वर्षा सह गुण का कारण होता है उसका पृष्ठ तनाव। वर जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां झील के अंत स्थल चली जाती हैं जहां पानी 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते क्योंकि पृथ्वी का सतह वक्राकार है। पूर्ण रूप से अप्रत्याश नहीं है एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर बढ़ता है और 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है एक कुचालक।